good morning. Hallelujah. Hamara Yeshu zinda hai. Hallelujah. Praise God. Amen. Kitne logo vishwas hai Yeshu zinda hai. Hallelujah. Amen. Hamara khuda mara hua khuda nahi, hamara khuda zinda hai. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Aaj se 2000 saal pehle बेतलहम नगरी में एक छोटा सा बालक जन्मा. आज हम उस बालक के चेहरे को नहीं देख रहे, आज हम हमारे खुदा यीशु मसीह जो जिंदा है, मरे हुए में से जी उठा और आज पिता परमेश्वर के दाहिने और वो बैठा है और आज वो आपको देख रहा है. प्रेज गॉड. हालेलुया. हम सब इस बाहरी चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन आज यीशु मसीह आपके हृदय को देख रहा है. प्रेज गॉड. क्या आपका हृदय तैयार है उस यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज क्रिसमस है, सब खुशियां मना रहे हैं, सब जगह चकाचौंध है, तारे चमक रहे हैं. प्रेज गॉड. आपके जीवन का तारा चमक रहा है क्या? प्रेज गॉड. कल का दिन मेरे लिए काफ़ी बिजी था, मेरी फ़ोन की घंटी बंद नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा नंबर गूगल में है, डिसाइपल्स कम्युनिटी चर्च. रात को 12 बजे तक कॉल आ रहे थे कि मिडनाइट सर्विस है क्या, क्रिसमस का सर्विस है क्या. प्रेज गॉड. मैं बोल रहा था कि कल सवेरे है, सवेरे है, उनको मैं एड्रेस भी दे रहा था लेकिन हर हफ्ते कॉल नहीं आता. हर हफ्ते इतना ज़्यादा कॉल आता नहीं है. प्रेज गॉड. क्रिसमस के दिन लोग ढूंढ रहे हैं हम कहाँ जाके यीशु की आराधना करेंगे. जब यीशु स्वर्ग से बोल रहा है या फिर आपके हृदय के पास ठकठका के बोल रहा है, बच्चा बच्ची मैं तेरे साथ हर दिन रहना चाहता हूँ. आमीन. 24 घंटे में जितने मिनट हैं, जितने सेकंड है, हर सेकंड में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ. प्रेज गॉड. हालेलुया. परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है इसीलिए उसने अपने बेटे को हमारे लिए दिया. आपका मैं ध्यान एदन के बगीचे में जब परमेश्वर पिता ने मनुष्य की सृष्टि की तब ले जाना चाहूँगा. आदम और हव्वा, पहला आदमी और औरत, खुदा के बच्चे. आमीन. क्योंकि खुदा ने अपने हाथों से उन्हें रचा था. आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथ में उसने फूका. आमीन. और वो जीवित प्राण बन गया. ही बिकेम ए लिविंग सोल. आमीन. He was the son of God. परमेश्वर का बेटा. परमेश्वर चाहता था कि मैं इसके साथ रहूं, इसके साथ चलूं, इसके साथ मैं सहभागिता रखूं, इसको मैं प्यार करूं और इसका मैं प्यार पाऊं. आमीन. उसने देखा आदम अकेला था, उसने उसके लिए एक पार्टनर बनाया हव्वा. आदम की एक पसली निकाली और हव्वा को बनाया. आमीन. हव्वा को आदम के पास ले गया. आदम बहुत खुश हो गया, मेरे लिए पार्टनर. हमारा खुदा हमारा ध्यान रखता है. आमीन. वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है. हमारी क्या ज़रूरत है वो जानता है और वो पूरा करता है. आमीन. हालेलुया. आदम और हव्वा अभी एक बेटा बेटी बनकर परमेश्वर के साथ चलते थे. बाइबल कहता है कि शाम के ठंडे में परमेश्वर उनके साथ चलता था. प्रेज गॉड. हालेलुया. आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु को याद कर रहे हैं. यीशु आपके साथ चलना चाहता है. आमीन. यीशु आपके साथ रहना चाहता है. हालेलुया. बाइबल कहती है कि तेरा शरीर क्या है? मेरा मंदिर है. आमीन. खुदा बोलता है तेरा शरीर मेरा मंदिर है. आई वॉन्ट टू लिव इन साइड ऑफ यू. प्रेज गॉड. सिर्फ एक दिन उसको याद करके कुछ नहीं होगा, उसके साथ चलना है. प्रेज गॉड. आमीन. आदम और हव्वा चलते थे, खुदा उनके साथ चलता था. खुदा ने उनको कुछ बोला, ये करना है, वो करना है, सब कुछ बोला, ये सब तुम्हारा है, सिर्फ एक चीज मत करना, बीच वाले वृक्ष से मत खाना. आमीन. इस बागीचे के बीच में एक वृक्ष है, दिखाया उनको इस वृक्ष का फल नहीं खाना. आसान था कि नहीं? बहुत आसान चीज था. माउंट एवरेस्ट या फिर कोई पहाड़ चढ़ने को नहीं बोला, सिर्फ ये फल मत खाना, लेकिन बहुत सारे और भी फल है, तुम सब खा सकते हो. लेकिन वहां पर एक और बंदा एंट्री मारता है. आमीन. वो है शैतान. प्रेज गॉड. हमारी कहानी सिर्फ हमारे और परमेश्वर की कहानी नहीं है. वहाँ पर एक विलन है जो हमेशा चाहता है
कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता हमेशा खराब रहे. आमीन, हालेलुया. वो चाहता है कि हम अपने परमेश्वर पिता के साथ नहीं चले, उसका बात नहीं माने. वो हमारे जीवन में आता है, फुसलाता है, हमें टेम्प्ट करता है, मोह दिखाता है. बेटा बेटी, तू क्यों यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा है? देखो बाहर कितना चकाचौंध है. संडे क्यों चर्च जा रहे हो, या फिर प्रेयर मीटिंग में क्यों जा रहे हो, बाइबल क्यों पढ़ रहे हो, प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आमीन. यही उस समय भी हुआ था, कुछ अलग नहीं हुआ है. हम बोलेंगे हम 21वीं सदी में है. 21वीं सदी में भी वही होता है जो एदन के बगीचे में हुआ. वहां फल था, आज हमारे पास बहुत कुछ है. आमीन, हालेलुया. मनुष्य गिर गया, पाप में गिर गया. प्रेज गॉड, पाप में गिर गया, शर्म आ गई, परमेश्वर से छुपने लगे. परमेश्वर से छुपना पड़ेगा. पाप में यदि गिर जाते हैं तो परमेश्वर से छुपना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है. पवित्र चीज के सामने पाप खड़ा नहीं हो सकता. प्रेज गॉड. अंधकार कभी भी प्रकाश के सामने खड़ा नहीं हो सकता. छिपने लगे, लेकिन परमेश्वर से कोई नहीं छिप सकता. आमीन, हालेलुया. सबसे पूछा, आदम से पूछा, तूने क्यों किया? तूने जो स्त्री मुझे दिया उसने मुझे दिया. दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं. हम भी करते हैं ना, दूसरे को दोष लगा रहे हैं. फिर हव्वा से पूछा, फिर हव्वा ने बोला जो सर्प तूने बनाया उसने मुझे फुसलाया. सर्प को देखकर एक हम वाक्य पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:15. आमीन. सर्प को देखकर परमेश्वर एक प्रोफेसी करता है. क्या करता है? प्रोफेसी, जो होने वाली बात को बताता है. उत्पत्ति 3:15 को हिंदी में पढ़े. सर्प को देखकर बोल रहा है, मैं तेरे ऑफस्प्रिंग मतलब तेरे संतान और स्त्री के संतान के बीच में दुश्मनी करूंगा, दुश्मनी लाऊंगा, बैर लाऊंगा. आमीन. वो तेरे सर को कुचलेगा. किसका? स्त्री का संतान तेरे सर को कुचलेगा और तू उसके पैर में डसेगा. ये प्रोफेसी था जो उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं. हालेलुया. आज दो स्त्री हमारे सामने हैं, एक है हव्वा ईव और एक है मरियम मेरी. आमीन. हव्वा ने सर्प के सामने घुटने टेक दिए, सर्प ने फुसलाया, वो गिर गई. आमीन. लेकिन एक प्रोफेसी था, तेरा बीज सर्प के सर को कुचलेगा. आमीन. और दूसरी स्त्री है मरियम. हालेलुया. मरियम का बीज कौन था? यीशु मसीह. प्रेज गॉड. वो यूसुफ का बीज नहीं था, यीशु मसीह. मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर का वचन बीज बना और उसके गर्भ में वो कन्या थी. क्या थी? कन्या थी, कन्या स्त्री, कन्या थी. उसके गर्भ में परमेश्वर के वचन का बीज गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया और यीशु मसीह का जन्म उसके गर्भ में हुआ. हालेलुया. कोई मनुष्य का बीज नहीं है यीशु मसीह. हालेलुया. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बीज है यीशु मसीह. हालेलुया. उसका बेटा जो स्वर्ग में था, स्वर्ग छोड़ के धरती में आया. हालेलुया. जितना भी क्रिसमस मना लो मना लो. हालेलुया. लेकिन यीशु मसीह एक बात कहता है हम सबको देखकर, बेटा बेटी मैं तेरे लिए आया. हालेलुया. तेरे लिए इसीलिए नहीं आया कि तुम मुझे सिर्फ एक दिन याद करके साल भर भूल जाओ. मैं तेरे लिए इसीलिए आया ताकि मैं तेरे पापों को अपने ऊपर उठा लूं और मेरे द्वारा तुझे क्या मिले? उद्धार मिले. आमीन, हालेलुया. और ऐसा ही हुआ. परमेश्वर जो वचन कहता है वो कभी नहीं बदलता. वो एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया. आमीन, हालेलुया. हमारा परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर है. हालेलुया. शैतान झूठा है, वो झूठ का बाप है. शैतान ने कई चीजों को आपके जीवन में कहा होगा, लेकिन आज मैं यहां खड़ा हूं, परमेश्वर पिता को आपके और मैं ले जा रहा हूं. हालेलुया. वो आपके जीवन में जो कहता है वो होता है. आमीन. उसने वहां पर भविष्यवाणी की, वैसा हुआ. आमीन. यीशु मसीह इस दुनिया में आया. पहला यूहन्ना 3:8 हम पढ़ के मैं बैठ जाऊंगा. पहला यूहन्ना 3:8 हिंदी में कोई पढ़े. 1 John 3:8. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Amen. Hallelujah. जब हम पाप करते रहेंगे, इसका मतलब हम किसके बेटे हैं? शैतान के. क्योंकि पाप का स्वभाव किसका है? शैतान का है, परमेश्वर का नहीं है. Amen. यदि हम पाप में हैं,
परमेश्वर अपना सुसमाचार बोलता है कि तू तेरे पाप को मैंने उठा लिया है, अब मेरे साथ चल, मेरे साथ जब चलेगा तो पाप का स्वभाव तेरे में नहीं रहेगा, आमेन। लेकिन यदि हम उसको छोड़ के पाप में ही रहे, मतलब इसका ये है कि हम शैतान के साथ हैं, आमेन। आज आपके साथ, आपके पास, हमारे पास, मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं यीशु मसीह के साथ चलना चाहता हूँ या फिर शैतान के साथ चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह आया और उसने शैतान के हर कार्य को डिस्ट्रॉय किया, क्या किया, नाश किया। शैतान का कार्य क्या है? निराशा, शैतान का कार्य। बीमारी, शैतान का कार्य। हालेलुया, ताड़ना, शैतान का कार्य। फुसलाना, शैतान का कार्य। लेकिन यीशु मसीह आया उसके हर कार्यों को नाश करने के लिए, और उसने नाश किया, कहां पर किया? क्रॉस में, क्रूस में किया। हालेलुया, आमेन। क्रिसमस सब अच्छा है लेकिन एक क्रूस को ना भूले, आमेन। हालेलुया, क्रूस पर उसने अपना सारा लहू हमारे लिए बहा दिया, और उसके लहू के द्वारा हम चंगे हो गए हैं, हमने छुटकारा पाया है, आमेन। इस क्रिसमस में हम ये बात कभी ना भूले, आमेन। यीशु मसीह आज जिंदा है और वो हमें देख रहा है। यीशु मसीह के साथ चलना एक सौभाग्य है, आमेन। हालेलुया, उसने हमसे इतना प्यार किया, परमेश्वर ने इतना प्यार किया, उसका अपना बेटा दे दिया, आमेन। इसीलिए हम यीशु के उस त्याग को ना भूले और यीशु को पकड़े रहे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, आमेन।